So good morning to all of you. Now let's move to the next topic, that is objectives of financial management. You can say objectives or goals of financial management. In the last lecture about the functions of financial management, hope you have studied it well. Now let's move to objectives of financial management. So we have two objectives of financial management. One is profit maximization and another is wealth maximization. You might have heard about profit maximization. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर फर्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे. सो सेम इज़ द केस विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट. The objective is profit maximization and the second one is wealth maximization. We will discuss both the objectives so that we may conclude that what should be the actual objective of financial management. So first let's discuss profit maximization. Why profit maximization? Why we should go for profit maximization? Why every firm emphasizes on profit maximization? So we have some points in favor of profit maximization approach. Let's discuss these. First one is measurement of performance. हम जब भी किसी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, किसी फर्म की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना चाहते हैं, तो हम क्या चेक करते हैं? वी जनरली चेक कि फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं. जिसके फर्म के प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं उस फर्म को हम ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बेटर मानी जाती है. सो ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना हर फर्म का टारगेट बन जाता है, क्योंकि वही उसकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करेगा. जितने ज़्यादा आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा पाओगे, दैट मीन्स आप उतने एफिशिएंट हो, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़िया है. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका है, इसलिए हर फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर एम्फेसाइज करती है. सेकेंड वन इज़ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑब्वियसली अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप हर रिसोर्स को, जितने भी रिसोर्सेज आप फर्म में यूज़ कर रहे हो, उन सबको इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सको. और ऑब्वियसली आप जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करते हो, आप यही चाहते हो कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, कोई भी रिसोर्स आपका वेस्ट ना जाए. थर्ड इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. व्हाट इज़ सोशल वेलफेयर? आपने सुना होगा कि आजकल एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत सारी फर्म्स कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हैं. वहाँ क्या डिस्कस होता है या वो पॉइंट क्या है जहाँ हम ये मानते हैं कि फर्म्स अपने सारे इनपुट सोसाइटी से ले रही हैं. ऑब्वियसली वो अपना जो प्रॉफिट कमाती है वो भी सोसाइटी की वजह से है, तो उनके अपने प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्च करना चाहिए. और कोई भी फर्म सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्चा कब कर पाएगी? जब उसके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे. जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, उतना ही एक्सपेंडिचर वो सोशल वेलफेयर के लिए कर पाएगी. जैसे आपने टाटा के बारे में सुना होगा, टाटा बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी बहुत सारे सोशल वेलफेयर. अभी हमने देखा कोरोना में ए बिग डोनेशन वाज गिवन बाय टाटा ग्रुप. सो सोशल वेलफेयर को अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहती है कोई फर्म, तो भी उसको प्रॉफिट्स को अपने मैक्सिमाइज्ड करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को बढ़ाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इंसेंटिव. प्रॉफिट एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंसेंटिव है. प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको प्रेरणा मिलती है ज़्यादा अच्छा काम करने की. जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, उतनी ज़्यादा मोरेल आपका हाई होगा कि हमें और काम करना है, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना है. देन इट्स हेल्पफुल इन फेसिंग एडवर्स बिजनेस कंडीशंस. जो फर्म्स अच्छे प्रॉफिट्स कमाती हैं, नॉर्मली वो एडवर्स सिचुएशंस में भी सर्वाइव कर पाती हैं. मींस जब कोई ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि फर्म को कोई एक साल या एक शॉर्ट पीरियड में दो साल प्रॉफिट्स ना हो, तब भी वो अपने पुराने प्रॉफिट्स की वजह से फर्म सर्वाइव कर पाती है, अपने खर्चों का भार उठा पाती है. मींस अपने लॉस जो है वो कवर कर पाती है, क्योंकि उसके पास पुराने प्रॉफिट्स का बैलेंस बचा हुआ होता है. इट मींस अगर कोई एडवर्स बिजनेस कंडीशंस आ जाती हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली जो फर्म्स हैं, यानी वो फर्म्स जो लंबे टाइम से अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही हैं, वो बुरे वक्त में भी
अपना टाइम निकाल लेंगी, सर्वाइवल बनाए रखेंगी. देन हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म. ऑब्वियसली किसी भी फर्म की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वी नीड फंड्स. फंड्स के लिए या तो आप अपने प्रॉफिट्स को यूज़ कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो बिजनेस में, या आपको बाहर से अरेंज करने पड़ते हैं. जो फर्म्स ह्यूज प्रॉफिट्स कमाती हैं वो प्रॉफिट्स का बहुत बड़ा हिस्सा फर्म में रिटेन कर लेती हैं, जिससे फर्म के ग्रोथ के चांसेस बने रहते हैं. फर्म को अपनी एक्सपेंशन के लिए कहीं बाहर से पैसा अरेंज नहीं करना पड़ता. सो ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज गुड, हर फर्म इसको फॉलो करना चाहेगी. लेट्स लुक एट द अनदर एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. व्हाई नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाई शुड वी गो फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच. क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे तो वी विल कम टू नो कि इसमें कुछ कमियां हैं, हमें कुछ बेटर अप्रोच की ज़रूरत है. ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्या हैं. फर्स्ट वन इज एम्बिगस. एम्बिगस क्या है? एम्बिगस का सिंपल मीनिंग है कोई ऐसी टर्म जिसका मीनिंग क्लियर ना हो. प्रॉफिट अपने आप में, जब हम सिंपल प्रॉफिट वर्ड यूज़ करते हैं तो ये अपने आप में एक वेग टर्म है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, जिसका मीनिंग अनक्लियर है. इट कैन बी प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट कैन बी प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट कैन बी नेट प्रॉफिट, इट कैन बी प्रॉफिट विच इज़ रिटेन्ड इन द फर्म, इट कैन बी प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर. सो देयर कैन बी डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ प्रॉफिट. तो आप अकेले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से इसका क्लियर मीनिंग समझ नहीं सकते, तो अपने आप में ये एक वेग टर्म है, तो हमें एक बेटर अप्रोच की ज़रूरत है जो क्लियरली डिफाइन करे. सेकेंड, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते. बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या? आज अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपको एक साल बाद 100 रुपीज़ मिले, तो दोनों में से कौन से प्रेफर्ड हैं? जो हमारे पास आज है, क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा है. एक साल बाद जो 100 रुपया मिलेगा उसमें एक साल का इंटरेस्ट फैक्टर का डिफरेंस रहेगा. इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि प्रेजेंट में मिला हुआ पैसा जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू कम है. इस कंसेप्ट को हम अगले चैप्टर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. बेसिकली हम यहाँ बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, इग्नोर कर देता है. देन कम्स इट इग्नोर्स रिस्क फैक्टर. हम दो फर्म्स में हमने देखा कि दोनों का प्रॉफिट सेम है, 2 लाख 2 लाख. सपोज 20 लाख की इन्वेस्टमेंट पे फर्म 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, तो हमें क्या लगता है कि दोनों फर्म्स इक्वल हैं. बट ऐसा भी पॉसिबल है कि एक फर्म में रिस्क का लेवल बहुत ज़्यादा और दूसरी फर्म में रिस्क का लेवल बहुत कम हो. तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सी फर्म को प्रेफर करेंगे जहाँ रिस्क का लेवल कम है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस इशू को कंसीडर नहीं करता. रिस्क के बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं है. देन कम्स इट इग्नोर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स. फ्यूचर में कितने प्रॉफिट मिलने वाले, ये भी इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इन टोटल किसी भी फिक्स्ड एसेट से मिलने वाला जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है टोटल प्रॉफिट से, नॉट ओनली प्रेजेंट प्रॉफिट्स. तो फ्यूचर प्रॉफिट्स भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में कंसीडर नहीं किया जाता. सो नेक्स्ट इज इग्नोर्स सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस के बहुत सारे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे उसको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं करना चाहिए. बट जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो दैट जस्ट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय हुक और बाय क्रूक. सो दिस अप्रोच इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट इज इट निगलेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. यहाँ पे इस इशू पे कोई डिस्कशन नहीं है. ये पॉइंट मैटर ही नहीं करता कि डिविडेंड पॉलिसी का शेयर के मार्केट प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या मार्केट प्राइस उससे बढ़ रहा है या कम हो रहा है. जबकि हम शेयर होल्डर्स की अप्रोच को देखते हैं तो शेयर होल्डर्स को, बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बल्कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके शेयर के मार्केट प्राइस बढ़ जाएं. तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में कवर नहीं किए जाते. इसलिए हम मूव करते हैं टू द सेकेंड अप्रोच इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन.
तो व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म, इट शुड बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है और हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को क्यों अपना ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ इट यूजेस कैश फ्लोज इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को अपना बेस बना के चलते हैं, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कैश फ्लोज को काउंट किया जाता है ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को। नाउ व्हाट आर कैश फ्लोज? कैश फ्लोज बेसिकली क्या है, जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, हम उससे जोड़कर इसको समझ सकते हैं। जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, हम जितनी पेमेंट करते हैं दैट इज़ कैश आउटफ्लो, और उस एसेट की वजह से जितने पैसे हमारे पास आते हैं दैट इज़ कैश इनफ्लो, और हम उन आने वाले इनफ्लोज को नेट प्रेजेंट वैल्यू में काउंट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा है। जिस एसेट का इनफ्लो ज़्यादा होता है वो एसेट आप खरीद लेते हो, जिस एसेट में आउटफ्लो ज़्यादा होता है और इनफ्लो कम होता है उस एसेट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं खरीदते। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बेटर अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कैश फ्लोज रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। सेकेंड इज इट गिव्स इम्पॉर्टेंस टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी हमने बात की कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। मींस एक साल या दो साल के बाद मिलने वाले पैसे की प्रेजेंट वैल्यू चेक कर ली जाती है। सो द थर्ड पॉइंट इज एम्फेसाइजेज ऑन पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड। बेसिकली इन दिस अप्रोच फाइनेंशियल डिसीजंस आर टेकन इन सच अ वे that shareholders receive highest combination of dividends and increase in the market price of shares. अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में हम सिर्फ प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, बट shareholders क्या डिमांड करते हैं, दे डिमांड बोथ द थिंग्स, हायर प्रॉफिट्स एज वेल एज हायर शेयर प्राइसेस। तो इस अप्रोच के अंदर इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। देन कम्स इट कंसीडर्स रिस्क फैक्टर, यहाँ रिस्क और अनसर्टेनिटी के ऊपर पूरा कंसिडरेशन रहता है। दैट मीन्स दे चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनेंगे ताकि हमारा रिस्क जो है वो लीस्ट रहे, सबसे कम रहे। Then comes burden of social responsibility. This approach gives due importance to social responsibilities of the business. That means society को uplift करने की जो duty है that also somehow lies with the business firms. And last is long term survival and growth. किसी भी firm का long term survival सिर्फ profit maximization पर depend नहीं करता, rather it depends on wealth maximization. जिस firm के अंदर जितना अच्छा wealth maximization होगा फर्म उतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। सो विद दिस आवर टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कम्स टू एन एंड। सो थैंक यू एंड योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।